हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मौशमी मिनी पार्क से। और आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने मेरे गले के दर्द के बारे में शेयर किया था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आप सभी ने बहुत फिक्र दिखाई है, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे टोटके भेजे हो जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद टोटके थे। तो उन सब के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैं चाहा कि मैं एक वीडियो में वो शेयर करूँ। तो बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे मेरे मैंडिविला प्लांट्स के बारे में पूछे हो, क्योंकि मैं वो प्लांट्स नहीं दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वो प्लांट्स नहीं हैं, वो मर गए हैं। और जो नए फ्रेंड्स हो वो शायद नहीं जानते हो कि मैं थोड़ी बीमार पड़ गई थी कुछ दिन पहले। तो उस दौरान कुछ प्लांट्स जो ख़ास केयर मांगते हैं वो प्लांट्स मेरे मर गए हैं। और मेरे मैंडिविला प्लांट्स के साथ साथ मेरे बहुत सालों के पुरानी एक बॉक्स सूट थे वो भी मर गए हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स मर गए हैं। तो यही तो चलता रहता है। अगर आप केयर करते हो तो प्लांट्स टिक जाता है, और नहीं कर पाते हो तो मर जाता है। यही सिलसिला तो चलता ही रहता है। तो मुझे दुख तो हुआ था, और मुझे लगता है कि आप लोग भी जान के दुखी हो जाओगे। तो क्या किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे ये पूछ रहे हो कि मानसून के सीज़न में कौन कौन सी नए नए प्लांट्स मैं लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स हैं, और मेरे टेरेस बहुत ही छोटी एक टेरेस है, और मेरे टेरेस पे गार्डनिंग के अलावा भी और भी बहुत सारे कामों के लिए मेरे टेरेस की मैं यूज़ करती हूँ। तो कुछ स्पेस भी चाहिए हमें। तो फ़िलहाल तो मेरे कोई प्लान नहीं है कि मैं नए प्लांट्स खरीदूं। जो कुछ मैंने किया वो मानसून के बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखा है, वो मैंने शेयर भी किया है उस वीडियोस में। आप चाहो तो वो चेक कर सकते हो। तो कुछ फ्रेंड्स मुझे जिंजर लिली के बारे में भी पूछे हो। तो जिंजर लिली है, लेकिन वो अभी फ्लावरिंग नहीं कर रही है। और जिंजर लिली के साथ मैं एक गलती कर दी। जो पॉट में जिंजर लिली मैं लगा रखी हूँ उसमें एक हिबिस्कस की कटिंग भी मैंने लगा दी थी, और वो बहुत ही फैल गए हैं, और जिंजर लिली थोड़ी पीछे रह गए हैं। तो जब उसकी फ्लावरिंग होगी तो मैं वो बिल्कुल शेयर करूँगी आप लोगों से। और कुछ फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे थे कि बेल्कोनी में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्लांट्स लगाया जाए। तो बहुत सारे प्लांट्स तो लगा जा सकता है। तो आप मेरे एक वीडियो है स्मॉल स्पेसेस गार्डनिंग करके, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। या फिर आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हो तो देख सकते हो कि मैं बहुत सारे हैंगिंग बास्केट्स बना रखी हूँ, बॉटल्स में भी बहुत सारे प्लांट्स लगा रखी हूँ। उन सब से आप आइडिया पा सकते हो कि कैसे करके आप गार्डनिंग कर सकते हो बेल्कोनी में। तो फ्रेंड्स, यही बोलना था मुझे आज। तो फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।